मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत दुनिया के 5 देश भारत में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तभी तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से इन 5 देशों के लिए कहा गया है कि कंट्रीज दैट आर मेकिंग बिग इन इंडिया। इन 5 देशों में हमारा कोई भी पड़ोसी मुल्क शामिल नहीं है। भारत में भारी मात्रा में सामान आयात करने वाला चीन तो इस सूची में दूर दूर तक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 5 देशों में सबसे पहला नाम अमेरिका का है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रोडक्ट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, चाहे फिर मैकडॉनल्ड का बर्गर हो या फिर कोका कोला या फिर फोर्ड की कार। अमेरिकी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर तक में अहम भूमिका निभा रही हैं। आईटी क्षेत्र में भी अमेरिका भारत के लिए महत्वपूर्ण बन चुका है, जो भारत के टैलेंट को चांस देता है। इन कंपनियों में सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियां शामिल हैं। भारत में 20 आईटी कंपनियां काम कर रही हैं, इनमें से 9 कंपनियां अमेरिका की हैं। अमेरिकी ईयूके भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। दूसरा नाम आता है जापान का। भारत को अपना खास दोस्त मानने वाले जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स के कारोबार के लिए भारत में प्रवेश किया था, लेकिन देखते ही देखते जापान भारत के कई कारोबार में छा गया। अब तो स्टार्टअप्स को सबसे अधिक लोन देने का काम जापानी बैंक ही कर रहे हैं, जिनमें से एक है सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट बैंक भारत की कई बड़ी स्टार्टअप कंपनियों को लोन दे चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में जापान ने भारत के प्रमुख क्षेत्रों में 4.7 अरब डॉलर का निवेश किया है। भारत में पंजीकृत जापानी कंपनियों की संख्या सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1305 जापानी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। होंडा, टोयोटा और मित्सुबिशी जैसी प्रमुख कंपनियों के कारोबार के साथ जापान अब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अहम योगदान दे रहा है। जापान दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ मेट्रो रेल और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। अगला नाम आता है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। भारत में बिग इन इंडिया करने में यूएई भी पीछे नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से प्राप्त जानकारी के मुताबिक तेल के कारोबार के साथ पिछले 2 सालों में 2016-17 और 2017-18 में यूएई ने भारत में 114.4 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है। हाल ही में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में 1 अरब डॉलर निवेश करने का फैसला किया है। चौथा नाम आता है जर्मनी का। भारत में बिग इन इंडिया करने में जर्मनी भी पीछे नहीं है। भारत और जर्मनी का कारोबारी रिश्ता 16वीं शताब्दी से है। ग्रुप ऑफ एजी एंड डेमग और बुश जैसी कंपनियों का भारत के मैन्युफैक्चरिंग से काफी पुराना रिश्ता है। वर्तमान में भारत में 1600 से अधिक जर्मन कंपनियां और 600 से अधिक इंडो जर्मन ज्वाइंट वेंचर संचालन में हैं। बड़े नामों में BMW, फॉक्सवैगन, सैप, सीमेंस एजी और मार्क शामिल हैं। और आखिरी नाम आता है स्वीडन का। भारत की आजादी से पहले ही स्वीडन की कंपनियां देश में आ चुकी थी। एरिक्सन, एबीबी जैसी कंपनियां 20वीं सदी के आरंभ में ही भारत में प्रवेश कर चुकी थी। धीरे धीरे स्वीडन की कंपनियों की संख्या बढ़ती गई और एटलस कॉपको, सैंडविक, अल्फा लवल, वॉल्वो, स्कानिया जैसी कंपनियों ने भारत में अपनी अलग पहचान बनाई, जो भारत में मेक इन इंडिया में निवेश कर रही हैं। भारत की स्मार्ट सिटी के विकास में स्वीडन अहम भूमिका निभा रहा है। तो ये वो 5 देश हैं जो भारत को और भारत की प्रगति में योगदान कर रहे हैं।